हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और स्किल्स से जो रिटन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि सॉल्विंग स्किल्स जो है कंपटीशंस की लिहाज से काफ़ी बुक रहती है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो रिसर्च होती है वो सॉल्विंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, तो इसलिए क्वेश्चन आते हैं सॉल्विंग स्किल्स से लगातार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पैनल अक्सर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो आपका रिसर्च फील्ड है वो उससे क्वेश्चंस निश्चित तौर से पूछे जाते हैं। उसी कड़ी में मैं ये पहली वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ इंटरव्यू प्रॉस्पेक्ट से, और रिकेट के लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहेगी। पहला जो क्वेश्चंस है वो पूछा जाता है ब्रेक्स लॉ क्या है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम पर पूछी जाती है सॉलिड स्टेट से ब्रेक्स लॉ। तो याद रखें कि किसी समय पर जो 2D साइन थीटा की वैल्यू होती है वो एन लैम्डा होती है, तो ब्रेक्स लॉ को बताएं कि ब्रेक्स लॉ बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका होता है 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, और डी जहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है जो हमारे प्लेन होते हैं क्रिस्टल लेटिस के उनके बीच का सेपरेशंस, और थीटा जो ग्लांसिंग एंगल होता है एन ऑर्डर होता है किसी समय पे, और लैम्डा जो हम किसी समय किसी इंस्टेंट के ऊपर जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस या कंटिन्यूस एक्स रे यूज कर रहे होते हैं उसकी वेवलेंथ होती है। तो ये एक्सप्रेशन सदा रिमेंबर रखें। ये भी पूछा जाता है कि जो हम किसी समय क्रिस्टल डिटर्मिनेशंस के लिए लैम्डा जो है वो एक्सरे के लिए क्यों यूज करते हैं, हम विजिबल लाइट क्यों यूज नहीं करते, तो उसमें सदा बताएं कि किसी समय पे जो लैम्डा होता है उसका ऑर्डर और जो डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग उसका ऑर्डर समान होना चाहिए ब्रेक्स लॉ के हिसाब से, क्योंकि 2D जब लैम्डा के ऑर्डर का होगा तभी ये इक्वेशन मीट आउट होगी। उसके चलते जो हमारा होता है वो ये है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग का ऑर्डर क्योंकि एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, तो इसके कारण लैम्डा का जो ऑर्डर है किसी समय वो भी लैम्डा के ऑर्डर का होना चाहिए एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। तो ये हमारा महत्वपूर्ण है काफ़ी क्वेश्चन। उसके अलावा पूछा जाता है जनरली जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है कि क्रिस्टल डिटर्मिनेशंस के कुछ मेथड बताइए क्या क्या होते हैं। तो याद रखें कि क्रिस्टल डिटर्मिनेशंस के जो हमारे जनरल 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है पाउडर मेथड, एक होता है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, एक ल्यू मेथड। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चंस भी, साथ साथ पूछा जाता है कि कौन से मेथड के अंदर हम कंटिन्यूस रेडिएशंस डालते हैं एक्सरे, और किसके अंदर हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करते हैं। तो ध्यान रखें कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे पाउडर मेथड के अंदर और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में मोनोक्रोमेटिक एक्सरे डाली जाती है, तो लैम्डा हमारा यहाँ पे फिक्स रखा जाता है, थीटा वेरिएबल रहता है, तो थीटा इन दोनों प्रोसेस में पाउडर मेथड और रोटेटिंग में वो किसी मोमेंट के ऊपर वेरिएबल रहता है। ल्यू मेथड के अंदर पूछा जाता है कि ल्यू मेथड में थीटा वेरिएबल रहता है या फिक्स रहता है, तो बताएं कंटिन्यूस एक्सरे यूज की जाती है तो लैम्डा यहाँ पे वेरिएबल होता है, थीटा फिक्स रहता है। तो ये 3 मेथड्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछा जाता है क्रिस्टल बाइंडिंग से, कि क्रिस्टल्स के अंदर कितनी तरीका की बॉन्डिंग मिलती है। तो याद रखें कि क्रिस्टल्स में जनरली 5 टाइप की बॉन्डिंग मिलती है, एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, इनर्ट गैस क्रिस्टल्स के अंदर बॉन्डिंग, इसे वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग भी कहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पूछी जाती हैं कितने टाइप्स की होती हैं, तो सदा याद करें कि 5 टाइप्स की होती हैं। उसके बाद इनके कोज पूछे जाते हैं कि आयोनिक जो किसी समय क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उसमें पूछा जाता है कि जो कारण है उसका क्या होता है। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है अपोजिट काइंस का आयन के बीच में, जैसे NaCl हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो सोडियम जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो Na जो एक इलेक्ट्रॉन देकर Na+ आयन बन जाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहेगा क्योंकि क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से किसी समय पे ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन के लिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, और Na+Cl- आयन बन जाता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड आयन बोलते हैं। तो ये NaCl, CaCl, KBr, KCl ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आयोनिक बॉन्डिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी साथ साथ पूछी जाती हैं, कई बार मैं आगे डिस्कस करूंगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग में ये याद रखें कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जब कार्बन है या सिलिकॉन या जर्मेनियम का केस होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहते हैं, तो शेयरिंग कर लेते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। एग्जाम्पल याद रखें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के, ये भी पूछा जाता है। और ये भी याद रखें कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर कंडक्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के बढ़ाने पर बढ़ती जाती है, कि कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो ब्रेकडाउन होने लगता है जब टेम्परेचर हम राइज करते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में।
मेटेलिक बॉन्डिंग में याद रखें कि मेटेलिक बॉन्डिंग का जो कॉज है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लेटिस आयन कोर और फिर इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, जब किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर जब पूरा का पूरा सिस्टम्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है जब वो बाहर निकलने का प्रयास करता है तो पीछे से पॉजिटिव आयन कोर उसको अट्रैक्ट करती है, तो उसका कॉज होता है। और ये मेटल्स के अंदर मिलती है मेटेलिक बॉन्डिंग, सोडियम और एल्यूमिनियम CU, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। इनर्ट गैस क्रिस्टल में याद रखें कि किसी समय पे जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते हैं, तो चार्ज का जो किसी पर्टिकुलर टाइम और मोमेंट के ऊपर ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लक्चुएशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फोर्स पैदा करता है जिसे हम वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग कहते हैं। तो वैन डेर वाल्स बॉन्डिंग का कारण है ये इनर्ट गैस क्रिस्टल का फॉर्मेशन। और एग्जाम्पल इसके सॉलिड आर्गन, सॉलिड मीथेन, तो इसका एग्जाम्पल भी रिमेम्बर रखें। ये वीक बॉन्डिंग होती हैं दोनों, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती हैं, इन्हें प्राइमरी बॉन्डिंग कहते हैं आयोनिक और कोवेलेंट मेटेलिक बॉन्डिंग को, और इनर्ट गैस क्रिस्टल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सेकेंडरी बॉन्डिंग कहलाती है। ये कंपेरेटिवली वीकर होती हैं, ये स्ट्रॉन्गर होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एग्जाम्पल इसके होते हैं H2O HF, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टरिस्टिक्स रखता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अट्रैक्शंस होता है उनके बीच में और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है H2O HF के अंदर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंटरव्यू के प्रॉस्पेक्ट से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कोहेसिव एनर्जी का, तो रिमेंबर रखें कि कोहेसिव एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो कोहेसिव एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है जो किसी समय ब्रेक करने के लिए चाहिए, जो लेटेस्ट आयंस है उसका फॉर्मेशन जब हो जाता है लेटेस्ट एटम्स का, तो उसके ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कोहेसिव एनर्जी कहलाती है। या जिस मोमेंट पे जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर फॉर्मेशन होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का तो वो एनर्जी रिप्लिकेट होती है। कोहेसिव एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी को डोट करती है। अगर किसी क्रिस्टल की कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कोहेसिव एनर्जी अगर कम होती है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो यहाँ जो ये थ्री तरीका की बॉन्डिंग थी आयोनिक कोवेलेंट मेटेलिक, इनके अंदर बॉन्डिंग ज़्यादा मिलती है तो ये इसकी कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा होती है और उनकी कोहेसिव इनर्ट गैस और हाइड्रोजन में कम मिलती है, तो ये भी याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा फर्मी एनर्जी की जो प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, फर्मी एनर्जी का पूछा जाता है फर्मी एनर्जी क्या होती है, तो रिमेंबर रखें कि फर्मी एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन जो प्रोसेस करता है HT=0 केल्विन पे, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस बाय द इलेक्ट्रॉन HT=0 केल्विन, इट इज हाईएस्ट एनर्जी HT=0 केल्विन। ये फर्मी एनर्जी का ये पूछा जाता है कि लोएस्ट किस के लिए होती है, हाईएस्ट कितनी होती है, तो फर्मी एनर्जी लोएस्ट होती है 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजियम के अंदर और 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ये हाईएस्ट होती है एल्यूमिनियम के केस में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। फर्मी एनर्जी और डेंसिटी में रिलेशन 3D में पूछ लिया जाता है, तो फर्मी एनर्जी H²/2m3n/8π/3 पर निर्भर करता है, एक्सप्रेशन 3D के लिए, तो फर्मी एनर्जी डेंसिटी की पावर 2/3 पर निर्भर करता है 3D में। एवरेज एनर्जी फर्मी एनर्जी में कई बार एक्सप्रेशन डिस्कस हो जाता है, तो एवरेज एनर्जी और फर्मी एनर्जी में 3D में एवरेज एनर्जी फर्मी एनर्जी में होता है एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 3/5 EF, एवरेज एनर्जी बराबर EF/2 और एवरेज एनर्जी बराबर 1/3 है, ये 3D में, ये 2D केस और ये 1D केस। फर्मी एनर्जी और टेम्परेचर में रिजल्ट पूछ लिया जाता है, तो फर्मी एनर्जी इज इक्वल टू होता है K×TF, फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर में रिजल्ट होता है। फर्मी वेवलेंथ जो होती है, फर्मी वेवलेंथ λF जो होता है वो H/m×VF होता है, ये एक्सप्रेशन भी रिमेंबर रखें। VF यहाँ पे फर्मी वेलोसिटी कहलाती है। विटमैन फ्रेंज लॉ पूछ लिया जाता है कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं विटमैन फ्रेंज लॉ क्या है, तो विटमैन फ्रेंज लॉ कहता है कि किसी समय पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं और K/σT की जो वैल्यू है π²/3 K/E² होती है, ये कांस्टेंट होती है। तो जो अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं वो अच्छे हीट कंडक्टर भी होते हैं, क्योंकि अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिस समय पर उनको गर्म किया जाता है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे किसी समय ट्रांसफर कर देते हैं, तो कंडक्शन भी ज़्यादा करते हैं। तो के जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये विटमैन लॉ का जनरल एक्सप्रेशन है। तो K/σT बराबर, ये एक्सप्रेशन भी रिमेंबर रखें कि गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं, वाइस वर्सा, ये भी पूछ लिया जाता है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में,
कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से मेटल में कैसे निर्भर करती है, लगातार पूछते हैं इस क्वेश्चन को। तो रिमेंबर रखें कि रो जो होता है वो 2mvf अपॉन n स्क्वायर लैम्डा होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, vf फर्मी वेलोसिटी, m किसी समय जो चार्ज डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और लैम्डा मीन फ्री पाथ को नोट करता है। जब टेम्परेचर हमारा राइज होता है तो फर्मी वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होता है, उससे लैम्डा जो मीन फ्री पाथ है वो vf का फंक्शन होता है वो कम हो जाता है, और ये लैम्डा की वैल्यू कम होने से रो बढ़ जाता है। तो रेसिस्टिविटी बढ़ती है मेटल के अंदर जब हमारा टेम्परेचर राइज होता है, तो इसको एक्सप्लेन कर दें, ये भी पूछा जाता है, एक्सप्रेशन भी पूछ लिया जाता है, कॉज पूछ लिया जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करें। एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लेटेस्ट क्वांटा जो होता है वो क्या कहलाता है, तो क्वांटा ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन क्या है, या एनर्जी जो स्टोर होती है सॉलिड के अंदर वो किस में स्टोर होती है, तो रिमेंबर रखें वो फोनोन में होती है। तो एनर्जी ऑफ क्वांटा जो होता है लेटेस्ट वाइब्रेशन का वो फोनोन होता है, फोनोन का केमिकल पोटेंशियल जीरो होता है, फोनोन वेलोसिटी ऑफ साउंड से चलता है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स भी सदा याद रखें, केमिकल पोटेंशियल जीरो होता है इसका। ब्रिलियन जोन पे क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली कि ब्रिलियन जोन क्या होती है, तो ब्रिलियन जोन इट कैन बी डिफाइंड एज ए विजनर सिग सेल एंड रेसिप्रोकल लेटिस, तो ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है। रेसिप्रोकल लेटिस फैक्टर्स में पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल लेटिस फैक्टर डायरेक्ट लेटिस में क्या रिलेशन है, तो भी रिमेंबर रखें ए बराबर टू पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, बी कैपिटल भी होता है टू पाई सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, और सी होता है हमारा टू पाई ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। रेसिप्रोकल लेटिस फैक्टर में ये पूछ लिया जाता है सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो याद रखें सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक ही होता है, बी सी सी का जो रेसिप्रोकल वो एफ सी सी होता है, एफ सी सी का जो रेसिप्रोकल है वो बी सी सी होता है, और एस सी पी का रेसिप्रोकल एस सी पी होता है। तो ये भी क्वेश्चन रेगुलर इंटरव्यू पर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उनकी प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर भी रिमेंबर रखें, मैं आगे डिस्कस करता रहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर वेरिएशन पूछा जाता है कि किसी समय पे टेम्परेचर पे कैसे वेरी करती है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो सी बी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है वो पाई स्क्वायर बाई टू के टी अपॉन ई एफ इंटू आर होती है, जहाँ के बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट की टेम्परेचर, ई एफ फर्मी एनर्जी, और आर किसी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे गैस कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो सी बी जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, ये पूछा जाता है। ये साथ साथ ब्रेग्स लॉ के एक्सप्रेशंस पूछ लिए जाते हैं कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर और वेव वेक्टर की फॉर्म में ब्रेग्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा के चेंज इन वेव वेक्टर वो जी के बराबर होता है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के, और जी होता है एच ए प्लस के बी प्लस एल सी के इक्वल, और इसकी एक फॉर्म होती है टू के डॉट जी प्लस जी स्क्वायर बराबर जीरो, ये भी पूछी जाती है। तो ब्रेग्स लॉ की ये तीन फॉर्म है, टू डी साइन थीटा बराबर एल लैम्डा, 2k dot g plus g square 0 और डेल्टा k बराबर g, ये पूछ लिया जाता है। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कई बार पूछा जाता है कि इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी के रिलेशन पे कैसे डिपेंड करता है, होता क्या है, तो जो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास है वो जो एक्चुअल उसका मास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का उससे डिफरेंट होता है, तो उसका बिहेवियर जो होता है लेटिस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन का वो डिफरेंट होने से उसका जो मास है वो चेंज होता है, और इफेक्टिव मास किसी समय पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इवन ये इन्फिनिटी की तरफ भी अप्रोच कर सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफेक्टिव मास वन अपॉन एम स्टार वन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर होता है, ये ई के रिलेशन से तय होता है। अगर ये डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर की वैल्यू अगर किसी समय जीरो है तो वन अपॉन एम स्टार जीरो हो जाएगा, एम स्टार इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करेगा। जब डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वन अपॉन एम स्टार पॉजिटिव रहता है। तो ई के जो स्लोप है वो तय करता है किसी जो हमारा इफेक्टिव मास का नेचर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था, मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू के प्रॉस्पेक्ट्स में जो आप लोग पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे रहे होंगे या आगे बार का इंटरव्यू देंगे या और भी कंपटीशंस में जहां भी इंटरव्यू देने जाएंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देंगे, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कंसेप्चुअल श्रृंखला की पहली वीडियो थी जो मैं डिस्कस कर रहा था, इसमें मैं छोटे छोटे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो आप अपने विचार शेयर करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ सजेशन दें मैं जिससे आगे कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और ये सभी वीडियो मेरी तरफ से गांव के बच्चों को समर्पित हैं और गाइडेंस के अभाव में जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, तो प्रयास करें कि वहां तक ये वीडियो पहुंच पाएं। बेस्ट विशेज, थैंक यू।